रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई है। रूस बिना रुके बिना थके लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने भी रूस को जवाब देते हुए अपने सैनिकों को तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूँ। रूस बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। इसके जवाब में यूक्रेन ने भी अपनी सेना तैयार कर ली है। इसी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम एक लड़के को देख सकते हैं जिसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है और अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालते हैं। इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है वो एक यूक्रेनी सैनिक है। इस वीडियो में वो लड़का यूक्रेन की हालत पर बात कर रहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन की हालत कैसी है, और वीडियो के अंत में वो कहता है कि मॉम और डैड आई लव यू। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब से युद्ध का ऐलान किया है, रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर हमला कर रही है। रूस के हमले में अब तक यूक्रेन में 150 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। वहीं शहरी इलाकों पर हमले को लेकर पुतिन ने कहा कि हम शहरी इलाकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम केवल सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पुतिन के इस बात को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने झूठा करार देते हुए पुतिन को एक हैवान कहा और कहा कि रूस को जो करना है कर ले, पर यूक्रेन युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेनी सैनिक के इस वायरल वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए स्कूप बीट्स को फॉलो करते रहें।